नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल उमेश शर्मा पे। दोस्तों, राजस्थान पटवारी भर्ती है जो कि 20 जनवरी से आपकी स्टार्ट होने वाली, 20 जनवरी से स्टार्ट होकर के जो कि 19 फरवरी तक इसके फॉर्म चलेंगे। लेकिन फॉर्म भरने से पहले मैं आपकी कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं, क्योंकि आपका माइंड वॉश होना बहुत ज़रूरी है। बाद में अगर आप ये गलती कर दो तो कहीं हमें पछताना ना पड़े, तो इस चीज़ के लिए मैं पहले ही आपका एक शुभचिंतक के नाते आपको कुछ चीज़ें समझाने आया हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, फिर आपके लिए सारे सवालों जवाब लेके आया हूं, आपके लिए हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा। आपका सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान पटवारी भर्ती तो आ चुकी है, लेकिन सर क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज है? ठीक है, क्या ये जिले वाइज होगी? दूसरी बात, फॉर्म कहां से अप्लाई करना है? तीसरी बात सर, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी? फोर्थ जो पॉइंट है वो है, बाहर के विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से बिलोंग करते हैं, जो कि राजस्थान से बाहर के, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ये चीज मैं आपको बता करके चलूंगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं, हम पहले पॉइंट को पहले क्लियर करते हैं कि सर ये जो एग्जाम है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी, जिले के अनुसार होगी? तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार कुछ अफवाहें चल रही थी, मतलब 2-3 साल बाद में वैकेंसी आई है। ठीक है, ये जो 2015 की वैकेंसी थी उसके बाद में इसकी एग्जाम हुई थी 2016 के अंदर। तो इसके बाद से ये अफवाह चल रही थी कि ये जो राज्य स्तर पर एग्जाम होगी, मतलब कट ऑफ इसकी एक साथ जाएगी, ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी जो आ गई है, अभी तक भी ये वैकेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही होगी। तो आपको क्यों ये सबसे बड़ा सवाल आएगा, सर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी तो डिस्ट्रिक्ट के अनुसार हमें ये भी सोचना होगा कि हम फॉर्म कहाँ से अप्लाई करें। तो पहले तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये वैकेंसी राज्य स्तर पे जो एक राज्य लेवल पे एक साथ कट ऑफ जाती है, ऐसा नहीं होगा। ये वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही होगी, इसकी जो कट ऑफ निकलेगी वो कट ऑफ हमेशा यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ही अलग अलग कट ऑफ बनेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फॉर्म लगाने से पहले कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है। दूसरी बात ये आती है कि सर फॉर्म कहाँ से अप्लाई करें? अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसी होगी तो सर सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि सर हम इसके लिए अप्लाई कहां से करना है? क्योंकि दोस्तों, आप अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें देखते हो कि हमारी पोस्ट से ज्यादा है, आप ये सबसे ज्यादा देखते हो, या फिर दूसरी चीज, दो टाइप के लोग होते हैं। दूसरी चीज कि ये पोस्ट कहां से कम है, हम वहां से अप्लाई करते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा, ये अप्लाई करने से पहले देखिए कि बहुत अच्छी पोस्ट है, कहीं आपको ये बाद में ये ना सोचना पड़े कि काश मैं ऐसे बैकवर्ड इलाके से फॉर्म ना लगाता तो अच्छे डिस्ट्रिक्ट में जॉब करता, एक मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में अगर जॉब करता तो उसका मजा ही अलग है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं, कहीं पे भी आप जॉब करो तो उससे पहले आपको ये श्योर हो आप अपने को लेकर कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट में अपने आप को कंफर्ट फील करा सकता हूं या फील करा सकती हूं। स्पेशली गर्ल्स होती है जो बाहर से फॉर्म अप्लाई करती थी, बाद में उनको वो जॉब छोड़नी पड़ती क्योंकि वहां वो कंफर्ट फील नहीं कर पाती। तो मैं आपको यही राय दूंगा, किसी की बातों में आकर के गुमराह ना हो, स्पेशली अपने रिश्तेदारों से जरूर बच के रहना, क्योंकि वो हमेशा आपको ऐसा ज्ञान देंगे जहां आप जॉब लग भी जाओ तो उसका कोई मतलब ना निकले। जिस रिश्तेदारों और अपने पड़ोसियों से ये चीज मत पूछना, मैं आपको ये कहूंगा। आप अगर अपने होम डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म लगाओगे तो बेस्ट रहेगा, चाहे थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। जैसे आप मान लीजिए जयपुर से हैं और जयपुर से आपको लगे कि कट ऑफ ज्यादा जाती है, सीकर से कट ऑफ ज्यादा जाती है, यहाँ के स्टूडेंट पढ़ने वाले तो आप कम हो के यार। फॉर्म लगाने के बाद आप एक ही चीज माइंड में सेट रखिए कि मुझे स्टडी करनी है। अगर आपने माइंड सेट कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है ना, मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बना रखा और मैं और चीजें आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। मैंने इसके सिलेबस के रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर रखा, वो आप देख लीजिए कि इसमें चाणक्य नीति कैसे लगानी है, चाणक्य नीति के नाम से वो वीडियो है। दूसरी बात, मैं आपको बुक्स भी बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि इसके लिए कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। लेकिन आप पहले ये देख लीजिए कि आपको अप्लाई करने से, आपको ये देखना है कि आपको अप्लाई कहाँ से करना है। तो अप्लाई आपको ऐसे डिस्ट्रिक्ट से करना है जहाँ पे आप कंफर्ट फील कर सको, जॉब करने में आपको लाइफ टाइम एक ऐसा फील हो कि हाँ मैंने जॉब पाया है। तो एक अपने फैमिली के साथ, तो आप फैमिली से दूर रहोगे, आने जाने में आपकी छुट्टियों में खराब ना हो जाए सब कुछ, तो ये ध्यान रखिएगा। आने जाने का टाइम भी खराब ना हो तो आप हमेशा अप्लाई करें, उससे पहले अपना जो एक कम्फर्ट जोन जरूर देख लें। दूसरी बात सर, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी? आपको काफ़ी वीडियो जैसे मिलेंगे यूट्यूब पर, ध्यान रखिएगा अभी से मिलने लग गए होंगे कि पटवारी की कट ऑफ कितनी जाएगी, कि सब कुछ फेक होगा। मेरी बात सुन लीजिएगा, अगर आपसे कोई कट ऑफ के बारे में अभी बात करता है, सब कुछ फेक होगा, क्योंकि इसका पैटर्न चेंज हुआ है। मेरी बात सुनिएगा, राजस्थान पटवारी का पैटर्न चेंज हुआ है। पिछली बार इसकी प्री और मेंस थी, अभी कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इससे 10 से 15 लाख के बीच में मिनिमम फॉर्म लगेंगे। कट ऑफ हमेशा डिपेंड करती है कि कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, उसके बाद में कितने कैंडिडेट ने वहां पे जो प्रेजेंट थे ना एग्जाम के वक्त, कितने स्टूडेंट्स ने इसमें यहां उपस्थिति दर्ज करवाई, उसके बाद में और पेपर का लेवल क्या था। पेपर का लेवल डिसाइड होने के बाद में कट ऑफ के वीडियोज बनते हैं, लेकिन आपको पहले ही कट ऑफ बताई जाने लगी है, उनके चक्रों में आकर के आप अपना मनोबल डाउन कर लो। अगर मेरे को अपना शुभचिंतक मानते हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं आपको बता दूं, किसी भी वीडियो के चक्रों में मत आना कि कट ऑफ कितनी जाएगी, इसीलिए मैंने पहले आपको ये पॉइंट क्लियर किया है। दूसरा नेक्स्ट बड़ा पॉइंट आता है कि सर हम
बाहर के विद्यार्थी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बाहर से हो, राजस्थान से बाहर से बिलोंग करते हो, तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए भी सारे के सारे रूल रेगुलेशन वही रहेंगे। आप जहाँ से, जो डिस्ट्रिक्ट आपको अच्छा लगता है, वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। आपको स्टडी करनी है प्रॉपर तरीके से। इसके अंदर सिलेबस क्या आएगा उसके बारे में मैंने वीडियो बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसके लिए आपका सिलेबस क्या होगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। सिलेबस के रिलेटेड आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आपका रहेगा रीजनिंग आपका सबसे पावरफुल पॉइंट रहेगा, क्योंकि 45 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 90 मार्क्स की आपकी रीजनिंग होगी, जिसमें आपको 4 से 5 नंबर मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब 10 मार्क्स की आपकी मैथ आ सकती है, जिसमें नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और एवरेज वगैरह 4-5 टॉपिक है। तो मेन आपकी रीजनिंग रहेगी, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो चेक कर लीजिए। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, रीजनिंग आने के बाद जिसे मैं बात करता हूँ कि कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर आपके ज़्यादा, आपको ज़्यादा बिल्कुल हार्ड नहीं, 15 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 30 मार्क्स का होगा। ये आपके मार्क्स हैं, ध्यान दीजिए, मैं पास होने का तरीका बता रहा हूँ। फिर आपका हिंदी और इंग्लिश होगी, हिंदी एंड इंग्लिश, इसके आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 22, जिनमें से हो सकता है कि 11+11 क्वेश्चन मिल जाए, 11 हिंदी के 11 इंग्लिश के, ये 44 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद में आप बात करते हो इंडियन जीके आता है, जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी सब कुछ आ जाती है। ये इंडियन जीके आएगा आपका, इंडियन जीके आपका 36 क्वेश्चन आएंगे, 36 क्वेश्चन में आपको 78 मार्क्स का ये होगा आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये 36 क्वेश्चन, ये 78 मार्क्स समथिंग का ये होगा। उसके बाद में अगर मैं आगे बात करता हूँ, ये आपका फिफ्थ होगा, वो होगा आपका राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में जो पार्ट होगा आपका 30 क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो 60 मार्क्स का ये कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पे एक राउंड फिगर में आपको क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। इस तरीके से अगर हम चलते हैं ना, तो दोस्तों ये यहाँ पे आपका टोटल क्वेश्चन होंगे 150 और ये 300 का चलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा मार्क्स का इधर उधर हो सकता है, मैं आपको एक एवरेज बता करके चल रहा हूँ। मतलब टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और आपको 300 जो है मार्क्स का टोटल पेपर होगा। ये फिक्स है कि इतने इतने मार्क्स के होंगे। जीके में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये फिक्स होगा और ये फिक्स होगा। अब आपको पास होना है, तीनों को ही कवर कर लीजिए, जिसमें आपको रीजनिंग और कंप्यूटर मैं यहाँ पे ऑनलाइन भी करवा दूंगा और ऑफलाइन भी करवा दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप आराम से पटवारी की तैयारी कीजिए। इसके लिए बेस्ट बुक का वीडियो आपका जल्दी आने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें पसंद आई होगी। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।